तो नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक में जो मैं वीडियो लेकर गया हूं, आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, ये हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर फ्लैशिंग के ऊपर है। दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करते हैं, फ्लैशिंग कॉन्सेप्ट, जैसा कि दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर गया हूँ, ये मैं आपके लिए फ्री ट्यूटोरियल की वीडियो है कि इन वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, या आप ये जान सकते हैं कि मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका क्या है। और दोस्तों जितने भी सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं वीडियो लेकर गया हूँ, उसमें से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीखा है और उस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप काफी कुछ सीख भी पा रहे हैं। और मोबाइल फोन को कैसे ठीक किया जाएगा, मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का तरीका क्या है, या मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कैसे डाला जाएगा, या सॉफ्टवेयर संबंधी जो प्रॉब्लम आती है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो में लेकर गया हूँ। अच्छा, ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक मोबाइल फोन रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो वीडियो आपको मिला हुआ है, इस वीडियो से पहले भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उन वीडियो को भी देखें, उस वीडियो के माध्यम से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली बात हमको ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ती है। तीसरी चीज, फ्लैश टूल की जरूरत पड़ती है। फ्लैश टूल मतलब मोबाइल फोन में कौन सा फ्लैश टूल होना चाहिए, वो फ्लैश टूल की जरूरत पड़ती है। चौथी चीज, आपको बूट की के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बूट की के बारे में, मतलब बटन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी बटन को प्रेस करेंगे, जिस बटन को प्रेस करने से आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। बैठ जाओ बोलो कि मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, तो ये मैं बूट की के बारे में बात करता हूं। उसके बाद फिफ्थ चीज, मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड किया जाएगा। मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड करेंगे, मतलब हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड करेंगे या मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करेंगे, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों मैंने ड्राइवर के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में मैंने वीडियो दिया हुआ था, फ्लैश फाइल के ऊपर वीडियो मैंने आपको दिया हुआ था, फ्लैश टूल के ऊपर मैंने वीडियो दिया था, बूट की के ऊपर वीडियो दिया था, फाइल लोड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अच्छा, जितने भी सारी चीजें हैं जो दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब अलग अलग करके समझाया था, आज की वीडियो में मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, ये सारा सब कुछ मैं एक साथ बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? एक साथ का मतलब होता है, जब तक आप इन सब चीजों को एक साथ नहीं समझेंगे तब तक आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर करना है, एक ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने यहां पर आपको लिखा हुआ है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तरीका। जब तक आपको किसी काम को करने का तरीका नहीं आएगा तब तक आप उस काम को बेहतर और अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। और ये जो मैंने आपको बताया, ये सॉफ्टवेयर का रूल्स बताए, जैसे एग्जाम्पल से बात कहता हूं, हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, जो मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर ठीक होने के लिए आता है, एग्जाम्पल से बात होती है, अगर हमारे पास मान लिया सैमसंग का मोबाइल फोन आता है, जिस मोबाइल फोन में आपको सॉफ्टवेयर करना है या मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करना है या मोबाइल फोन में नया सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको जितनी भी सारी चीजें होती है उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, जैसे एग्जाम्पल सी बात आती है, मान लिया तुम्हारे पास सैमसंग का फोन आ गया, सैमसंग का J2 या J2 आ गया या S20 मोबाइल फोन आ गया, कोई भी मोबाइल फोन आ जाए, XYZ आपके पास कोई भी फोन आ जाता है ठीक होने के लिए, तो पहले उसका लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई भी चीज उठाया घुसड़ दिया काम हो गया, एक सिस्टम है, जब तक आप उस सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते। जिसमें से आपके पास मैंने बताया, एग्जाम्पल मैंने लिया, ऐसा मैं आपको 40-50 एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं, मैं 40-50 एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप काफी कुछ समझ सकते हैं। और अगर इस एग्जाम्पल को आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर डालने में कम से कम सर आपको 40-50% की कैप्चरिंग आपको बनेगी और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे हम काम करेंगे। वो जो 40-50 टॉपिक दूंगा वो आपके लिए एक्सरसाइज होगी, अगर उस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा क्लियर होने वाला है। अब जैसे मान लिया एग्जाम्पल की बात, मैं एक दो तीन एक्सरसाइज करके बताता हूँ। जैसे पहले सैमसंग J2, मेरे पास कोई कस्टमर मोबाइल फोन लेकर गया है, वो कस्टमर कहता है ये भैया मोबाइल फोन है, ये सैमसंग का J2 मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन में दिक्कत आ गई है कि इस मोबाइल फोन में लोगो पे खड़ा है। लोगो का मतलब होता है
देखो मैं आपको दिखाता हूँ लोगो क्या चीज होती है। जैसे ऐसे फोन मेरे पास मार्केट से बहुत सारे ठीक होने के लिए आते रहते हैं, जो हम अपने स्टूडेंट को जब सिखाते हैं तो उनको उनको प्रैक्टिस करके बताता है, उनका तरीका बताते हैं, जिससे किसी का फोन फ्री में ठीक हो जाता है, हमारे बच्चों को सीखने को मिल जाता है। जैसे मान लिया मेरे पास ये वीवो का मोबाइल फोन है, इस वीवो को मोबाइल फोन को जैसे मैं चालू करता हूं तो चालू करते इसमें वीवो लिख करके आता है। क्या लिख करके आता है? वीवो लिख करके आता है। इस मोबाइल फोन को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक करके भी दिखाऊंगा। जैसे इसमें क्या लिख करके आ रहा है? वीवो लिख करके आ रहा है। वीवो लिखने के बाद ये मोबाइल फोन चालू होगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चालू हुआ, फिर बंद हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना सबको? वीवो लिख करके आ रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। तो ऐसे काम को करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फ्लैशिंग करना पड़ता है। फ्लैशिंग का मतलब होता है इस मोबाइल फोन का ओएस, इस मोबाइल फोन का फर्मवेयर, इस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। करप्ट कैसे हो जाता है? उसमें वायरस आ जाता है, उसमें से उल्टा सीधा कस्टमर कर देता है, या उसको फॉर्मेट कर देता है, या डाटा बहुत भर जाता है, उसका ओएस करप्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने से नहीं ठीक होगा तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? फ्लैश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सैमसंग J2 का। मैं वीवो को भी बताऊंगा, सैमसंग J2 पहले जो मैंने टॉपिक लिया उसको मैं क्लियर करता हूं। अगर मेरे पास सैमसंग J2 का मोबाइल फोन आता है तो इसमें सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला फर्स्ट चीज, हमको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए। ड्राइवर का मतलब होता है सैमसंग USB ड्राइवर। ये काम करेगा। जब आपके कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा तब तक आपका सैमसंग का J2 मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं होगा, और जब तक J2 फोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसमें सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो पहली चीज ड्राइवर क्या होना चाहिए? ड्राइवर, जैसे सैमसंग USB ड्राइवर। अब सेकेंड चीज, मैं एक फोन पे आपको प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप इस चीज को समझ सकें। ड्राइवर होना चाहिए। दूसरी बात, सैमसंग J2 में अगर हमको सॉफ्टवेयर करना है तो हम लोग गूगल से सैमसंग J2 फ्लैश फाइल ऐसा लिख के हम लोग डाउनलोड भी करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा लिख करके डाउनलोड करेंगे सैमसंग J2 फ्लैश फाइल। उसके बाद तीसरी चीज, फ्लैश टूल। फ्लैश टूल, इसमें फ्लैश टूल जो हमारा काम करेगा, ओडिन काम करेगा। कौन सा टूल काम करेगा भैया? ओडिन काम करेगा। तो ओडिन फ्लैश टूल होना चाहिए। चौथी चीज, बूट की। सैमसंग के मोबाइल फोन में यदि पुराने मोबाइल फोन होते तो वॉल्यूम माइनस होम प्लस पावर, और अगर मान लिया तुम्हारा न्यू फोन होता है तो वॉल्यूम प्लस प्लस वॉल्यूम माइनस, उसके बाद USB केबल। जैसे आप मोबाइल फोन में लगाएंगे तो आपका मोबाइल फोन फर्स्ट से किसमें चला जाएगा? डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। जब आपका फोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। उसके बाद पांचवी चीज, फाइल लोड करें। अब सैमसंग के फोन में आपको यह देखना पड़ेगा उसमें सिंगल फाइल है कि मल्टी फाइल है। सिंगल का मतलब होता है AP वाले कॉलम में लोड होगा, और मल्टी का मतलब होता है BL, AP, CP, CSC। ये जितनी चारों फाइलें होती है, चारों फाइलों को हमको क्या करना पड़ेगा? लोड करना पड़ेगा। जैसे आप चारों फाइलों को लोड करेंगे तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। आपको मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए पहली चीज जे ड्राइवर चाहिए, J2 फ्लैश फाइल चाहिए, ओडिन चाहिए, वॉल्यूम प्लस माइनस पावर, ये इससे डाउनलोडिंग मोड में जाएगा, इसको दबाएंगे तब हमारी फाइल क्या होगी? लोड होगी। जैसे फाइल लोड होगी तब मोबाइल फोन में क्या हो पाएगी? फ्लैशिंग हो पाएगी। तो ये हमारे पास तो नियम है भैया, जब तक इस नियम को फॉलो नहीं करोगे तब तक तुम मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है इस नियम को फॉलो करना, इस रूल्स को फॉलो करना। जब तक दोस्त इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कदापि नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे। अब जैसे एग्जांपल सी बात है कि मान लिया मेरे पास मोबाइल फोन सैमसंग J2 की जगह पर वीवो का आ जाता है। किसका आ जाता है? वीवो का। वीवो Y53। अब वीवो Y53 के अंदर मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालना है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था
कि हमारे पास जो सैमसंग आता है यही एक ऐसा मोबाइल फोन है जो सैमसंग के तरीके से ही मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाला जाता है। बाकी ओप्पो वीवो एमआई रियलमी टेक्नो लावा कार्बन इंटेक्स माइक्रोमैन इन्फिनिक्स जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सब मोबाइल फोन में जो सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग होती है वो चिपसेट के अकॉर्डिंग होती है। किसके हिसाब से होती है? चिपसेट। चिपसेट का बोले तो क्वालकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, क्वालकॉम, मीडियाटेक, एसपीडी, इन तीन चीजों को जब आप समझेंगे तभी आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अब जैसे मान लिया मेरे पास वीवो मोबाइल फोन, अब वीवो मोबाइल फोन मेरा चाइनीज कैटेगरी का है। अब इस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसका चिपसेट पता करना है। चिपसेट पता करने के लिए आप गूगल खोलिए, आप अपने कंप्यूटर में गूगल खोलने के बाद गूगल में आप जाइए, गूगल में यहां पर सर्च करिए वीवो वाई 53 जीएसएम अरीना। जैसे वीवो वाई 53 जीएसएम अरीना सर्च करेंगे आप ऐसा खुल जाएगा, ये मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन के अंदर चिपसेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें से हमारा कौन सा चिपसेट लगा हुआ है? क्वालकॉम। कौन सा चिपसेट लगा है? क्वालकॉम चिपसेट लगा है। जब भैया इसमें क्वालकॉम चिपसेट लगा हुआ है इसका जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का तरीका है वो किसके हिसाब से होगा? क्वालकॉम के हिसाब से होगा। मुझसे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सब लोगों? क्वालकॉम के हिसाब से होगा। जब क्वालकॉम के हिसाब से होगा तो सबसे पहली चीज इसमें कौन सा काम करेगा? क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर, पहली चीज क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर। दूसरी चीज इसमें जो टूल काम करेगा वो काम करेगा क्यूफिल, क्वालकॉम फ्लैश इमेज लोडर, ये टूल काम करेगा। तीसरी चीज आपके पास फ्लैश फाइल का मतलब बूट की ईडीएल पॉइंट, जिससे आप मोबाइल फोन क्या करेंगे? कंप्यूटर से कनेक्ट कराएंगे। चौथी चीज बूट की जो ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट होगा। उसके बाद पांचवी चीज फाइल लोड। अच्छा क्वालकॉम है तो क्वालकॉम के अंदर या तो इमेज नाम का फोल्डर लोड होता है या तो रॉ जीरो पैच जीरो, ये हमारी फाइल लोड होती है। तब हम लोग मोबाइल फोन में क्या कर पाएंगे? सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, तब मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्वालकॉम क्यूफिल फ्लैश टूल बूट की इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप मोबाइल फोन में अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। यदि आपके पास कोई मोबाइल फोन रेडमी का आ जाता है तो रेडमी मान लिया एग्जाम्पल की बात है रेडमी 6 से मोबाइल फोन आ गया, रेडमी 6 के अंदर देखते हैं तो मीडियाटेक सीपीयू लगा है, तो उसके अंदर मीडियाटेक यूएसबी ड्राइवर, फ्लैश टूल एसपी फ्लैश टूल, एमआई 6 से फ्लैश फाइल, बूट की वॉल्यूम प्लस माइनस, उसके अंदर जो फाइल लोड होगी एमटी डॉट स्कैटर, ये फाइल लोड होगी। इस नियम को फॉलो करेंगे फट से आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अब देखिए आज मैं आपको इसी सब चीज के ऊपर एक मैं आपको टेबल बनाने वाला हूँ, एक मैं ऐसी टेबल आपको बना के देने वाला हूँ, अगर इस टेबल को अपने दिमाग के अंदर घुसा लोगे तो कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करना बिल्कुल इजी बिल्कुल सरल तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उस टेबल की, बात करते हैं उस टेबल को समझते हैं। अच्छा जितने भी सारे लोग हैं ये जो मैंने आपको करके दिखाया है मैं आपको 5 मॉडल देता हूं, जितने सारे लोग हैं 5 मॉडल करिएगा, जो टेबल समझाऊंगा उसको भी समझिएगा, इस 5 मॉडल को एक्सरसाइज करेंगे तो आप मोबाइल फोन में पक्का सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। देखो पांच मॉडल देता हूं मैं आपको, सैमसंग A10, जो लोग कर ले अपना काम चेक कराने के लिए हमको व्हाट्सएप भी करें, सैमसंग A10 में सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, वीवो Y12, MI 7A, चौथा टेक्नो स्पार्क गो,
आईटेल A21। तो ये मैंने सर जी आपको पांच मॉडल दिए, पांच मॉडल में आप मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका आप अप्लाई करेंगे और सिर्फ सैमसंग का मोबाइल फोन सैमसंग के तरीके से होगा, बाकी तुम्हारे चिपसेट के तरीके से होंगे, तो उस चीज को आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको करके मुझे एक्सरसाइज बताइए, फिर मैं हम लोग आगे टॉपिक आपको बताएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए, अब मैं आपको टेबल बनाने वाला हूँ। कौन सा टेबल बनाने वाला हूँ? जिस टेबल के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कौन सा फाइल, कौन सा टूल, कौन सा क्या, सब चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इससे पहले मैं टेबल ले लेता हूं। सर आ रही ना पूरी टेबल? आप देखो, जैसे मान लिया जो मैं आपको टेबल लेकर गया हूं, इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं और मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने का तरीका समझ सकते हैं। देखिए कैसे काम करेंगे। मान लिया आपके पास जो मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए, सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहली बात, आपके पास यदि मोबाइल फोन आता सैमसंग कंपनी का, कौन सा मोबाइल फोन आता भैया तुम्हारे पास? सैमसंग कंपनी का फोन आता है। अगर आपके पास कोई सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर आता है, तो सबसे पहली बात जो तुमको पता होना चाहिए, ये ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए, पहला नियम। दूसरी चीज, टूल के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा चीज, बूट की पता होना चाहिए। चौथा चीज, फाइल लोड करने का तरीका पता होना चाहिए। फ्लैश फाइल को मॉडल नंबर से डाउनलोड करते हैं, फ्लैश फाइल को मॉडल नंबर से डाउनलोड करते हैं, जैसे MI5 पे फ्लैश फाइल, MI6 पे फ्लैश फाइल, वीवो Y12 फ्लैश फाइल, इंटेक्स का ये फाइल, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी फाइल आता है उसके मॉडल नंबर से ही डाउनलोड किया जाता है। अब अच्छा, सैमसंग का मोबाइल फोन आता है, तो सैमसंग के मोबाइल फोन के लिए सबसे पहली बात, ये जो सर मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बिल्कुल आसान है, ये अगर तुमने टेबल को अपने दिमाग में छाप लिया तो समझ लीजिए सॉफ्टवेयर में तुम्हारा काम हो जाएगा काफी कुछ। सैमसंग, और सैमसंग में कोई भी फोन आता तो पहली बात, सैमसंग USB ड्राइवर, टूल जो इसमें आता है ओडिन, जो उसमें बूट की आता है वॉल्यूम माइनस होम पावर, और जो नए फोन आते हैं उसमें वॉल्यूम प्लस माइनस, उसके बाद USB केबल लगाओगे तब आपको फोन डाउनलोडिंग मोड में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? डाउनलोडिंग मोड में। सैमसंग के मोबाइल फोन में दो फाइल आती हैं, या तो सिंगल फाइल होती है या तो मल्टी फाइल होती है। सिंगल फाइल का मतलब होता है AP, मल्टी फाइल का मतलब होता है BL, AP, CP, CSC। सर दिखाई दे रहा ना सब लोगों को अच्छे से, क्लियरिटी से? तो ये फाइल आती है जो हम लोग लोड करते हैं, अगर इस नियम को फॉलो किया बस सैमसंग बन गया तुम बादशाह। अब यदि मान लिया तुम्हारे पास सैमसंग के बाद आता है
क्वालिकॉम फोन, कौन से फोन आते हैं? क्वालिकॉम सीपीयू के फोन, एमआई, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, लावा, कार्बन, इसमें काम करेगा क्वालिकॉम यूएसबी ड्राइवर, इसमें फ्लैश टूल काम करेगा शाओमी फ्लैश टूल, या इसमें से जो टूल काम करेगा क्यू फिल या एमएसएम काम करेगा। एमएसएम जो फ्लैश टूल होता है ये ओप्पो और रियलमी में काम करता है। उसके बाद इसका जो बूट की होता है या तो ईडीएल पॉइंट होता है, ईडीएल का मतलब होता है अंदर जो टेस्ट पॉइंट होते हैं उनको शॉर्ट करके ऐसे यूएसबी केबल लगाना होता है, या तो फिर प्लस माइनस बटन दबाएंगे और उसके बाद यूएसबी केबल लगाएंगे तब आपका मोबाइल फोन क्या हो जाता है, कनेक्ट होता है। इसमें के अंदर जो फाइल होती है या तो इमेज नाम का फोल्डर खुलता है या उस फोल्डर के अंदर दो फाइल निकलती हैं, रॉ जीरो और पैच जीरो डॉट एक्सएमएल लिखा होता है। क्या लिखा होता है? डॉट एक्सएमएल लिखा होता है। यह क्वालिकॉम में होता है। यदि मान लिया तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन आता है जिसमें मीडियाटेक चिपसेट लगा होता है तो मीडियाटेक चिपसेट के लिए तुम्हारा काम करता है एमटीके यूएसबी ड्राइवर, इसमें टूल काम करेगा एसपी फ्लैश टूल, और इसमें कीपैड फोन आते हैं तो उसके लिए टूल आता है एमटीके फ्लैश टूल, और बूट की जो होता है इसका वॉल्यूम प्लस प्लस वॉल्यूम माइनस, इसके बाद यूएसबी केबल लगा दीजिए या तो खाली यूएसबी केबल लगा दीजिए, बस आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो फाइल लोड होती है वो एमटी डॉट स्कैटर, एमटी डॉट स्कैटर ये फाइल हमारी क्या होती है, लोड होती है। यदि मीडियाटेक के बाद तुम्हारे पास फोन आता है जिसमें एसपीडी सीपीयू लगा होता है, मीडियाटेक एसपीडी दोनों भाई भाई होते हैं, अब इसमें क्या काम करता है, इसमें काम करेगा तुम्हारा एसपीडी एसपीडी यूएसबी ड्राइवर, इसमें टूल काम करेगा, इसमें टूल काम करेगा एसपीडी अपग्रेडर, ये टूल काम करेगा। इसका जो बूट की होता है यही वाला सेम होता है जो मीडियाटेक में होता है, वही एसपीडी का बूट की होता है। इसमें फाइल जो डलता है डॉट पैक फाइल डलता है, कौन सा फाइल डलता है, डॉट पैक फाइल पड़ता है, और कुछ कीपैड फोन होता है उसमें डॉट कॉन्फिग फाइल होती है, कॉन्फिगर कॉन्फिग का मतलब होता है कॉन्फिगर, डॉट कॉन्फिग नाम से फाइल होती है। तो इस तरीके से अगर आप इस टेबल को फॉलो करेंगे तो इस टेबल को फॉलो करने से आप मोबाइल फोन में काफी हद तक मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोबाइल फोन में फाइल कैसे लोड किया जाता है, क्वालिकॉम में कौन सा फाइल लोड होता है, मीडियाटेक में कौन सा होता है, एसपीडी में कौन सा होता है, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करेंगे, पांच मैंने आपको टॉपिक दिए, अगर उस टॉपिक को इसको समझ करके अगर आप पूरा करेंगे तो पक्का कंफर्म है आप सॉफ्टवेयर में काफी कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को देखें सीखें, जो कॉपी नहीं बना रखा है कॉपी बना लें, अच्छे से नोट करें, अगर आप अच्छे से नोट करेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा और आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अब लोग फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि मोबाइल फोन में फ्लैशिंग कैसे करेंगे, उसका एक एक करके मैं आपको मोबाइल फोन को रिपेयर करके मैं आपको प्रैक्टिकल से आपको समझाने वाला हूँ। अच्छा, इस टूल से कैसे करेंगे, डोंगल से कैसे करेंगे, यूएमटी से कैसे करेंगे, अनलॉक टूल से कैसे करेंगे, यूएफआई से कैसे करेंगे, सभी चीज के बारे में मैं फ्लैशिंग करने के ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगा और आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख भी रहे हो, सीख भी सकते हैं। और अगर दोस्तों इसी तरीके से अगर आपको एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना है, पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हो, तो दोस्तों फिर आप ट्रेनिंग सेंटर आकर सीख सकते हो। जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो लोग फ्रेशर हैं, मोबाइल फोन के लाइन में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं या उन्होंने कुछ नहीं सीखा है या कहीं सीख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारा वीडियो ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से आप काफी कुछ सीखिए, अपने आप को मजबूत करिए और काम करने का तरीका जानिए। और पूरा अगर कंप्लीट काम सीखना है
या पूरा अच्छे तरीके से सीख करके अपना सेटअप बनाना है, अपना काम करना है, तो दोस्त एक बार आप ट्रेनिंग सेंटर जरूर आएं। आप एक बार पूरा कंप्लीट काम पूरा सीखें हमसे, पूरा कंप्लीट सीखने के बाद फिर अपना बिजनेस का स्टार्टअप करें और अच्छी तरीके से काम करें। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल पर रोज डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं इस समय पर, जितने भी सारे बच्चे हैं, क्योंकि सारे बच्चे लोग कहते हैं, दूर से आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि सर हमको डेमो लेना है। हम लोग उन लोगों को डेमो लेने के लिए ही लाइव क्लास का ऑप्शन निकाला है कि आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही क्लास देखो। एक दिन, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, दस दिन, पंद्रह दिन क्लास देखो, जो टॉपिक हम बताते हैं उस टॉपिक को नोट करो, सीखो, समझो। अगर तुम्हारी बुद्धि में जरा सा घुसे तो सीखने के लिए आओ, ना घुसे तो वहीं घर बैठे रहो, बिल्कुल मत आओ। और इसमें से वही लोग आए, वही लोग सीखें जिनका इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट के जबरदस्ती ना सीखें। ये जो कोर्स है कोई एक टाइम पास का कोर्स नहीं है, कोई एक डिप्लोमा, कोई प्रमाण पत्र लेने का कोर्स नहीं है। ये कोर्स दोस्त बिजनेस का कोर्स है, ये कोर्स इनकम का कोर्स है, ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कुछ आगे करना चाहते हैं, कुछ भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी कारण बस बहुत सारे लाइनों में चेंज हो गए, अगर वो अपने बिजनेस सेटअप पे जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो दोस्त ये आपको हम सीखें, ये कोर्स को सीखें। इस कोर्स को सीखने में कोई लंबा चौड़ा समय नहीं लगता, मात्र 45 दिन का समय लगता है अगर आप फुल डे देते हैं तो, और अगर 2 घंटे 4 घंटे क्लास करते हैं तो समथिंग 90 दिन का समय लगता है। और आप 45 दिन हो या 90 दिन में हो, दोस्त आप आएंगे तो पूरा कंप्लीट तरीके से सीख करके जाएंगे। सीखने में थोड़ा बहुत समय लगता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो हैं, मोबाइल फोन में सिर्फ चलाने के अलावा कुछ नहीं जानते, बिल्कुल निचट जीरो हैं, तो फिर दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमको 2, 4, 5, 10 दिन ज्यादा समय लगता है तो हताश परेशान नहीं होना, टेंशन लेकर के बिल्कुल नहीं आना, फ्री माइंड होकर के आना। मैं 100% तरीके से ठोंक बजा के तुमको सिखा के ही भेजूंगा, ये मेरी गारंटी। ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये सागर मार्केट माल रोड में है, और ये कानपुर स्टेशन से 400-300 मीटर दूर पे है, तो यहाँ पर आप पैदल वॉकिंग डिस्टेंस से आप आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, असम, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी दी है, यहाँ पर सब बच्चे रह करके सीख करके जाते हैं। टोटल पूरा कोर्स सीखने में ज्यादा से ज्यादा खाने पीने से लेकर के सब कुछ ज्यादा से ज्यादा खर्चा आएगा, तो 20-25 हजार रुपए खर्चा आता है, इसी अप्रोक्स में पूरा सीख करके आप चले जाते हैं। कानपुर शहर कोई बड़ा महंगा शहर नहीं है, बहुत सस्ता है, यहाँ पर जितने भी सारी चीजें होती हैं बड़ा चीपेस्ट रेट में मिल जाती है, खाने पीने से रहने से लेकर के, जिससे आपका कोई एक्सपेंसिव नहीं लगता है। और दोस्त मैं इस लाइन में पिछले 18-19 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आप आएंगे, हमारा पूरा सेटअप देखेंगे, हमारा पूरा तौर तरीका देखेंगे, हमारी टीम से मिलेंगे, आप पूरा जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का पूरा सफर तय करेंगे, आप पूरा कंप्लीट काम सीख कर जाएंगे। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो टॉपिक बताया उस टॉपिक को जरूर सीखें, और वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड पर, अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि अगर हम आपको इतना सिखा रहे हैं तो आप भी और 4 लोगों को वीडियो को भेज करके 4 लोगों को सिखाएं, और एक वीडियो समझ में आ रही है अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं, तो दोस्त एक पॉजिटिव मैसेज करें, जिससे हमको भी समझ में आए कि जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आए। तो दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहेंगे, थैंक यू।